आजमगढ़ के अरोला थाना क्षेत्र के अरुषा गांव का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि अरुषा गांव का मारपीट का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। अपने बयान में आईपीएस चिराग जैन ने कहा था कि मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब अरुषा गाँव के ग्राम प्रधान ने एक तहरीर अरोला थाने पर दी, जिसमें गांव के चार लोगों सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। ग्राम प्रधान तीरथ का कहना है कि जब भी गांव में विकास के लिए नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग का कार्य करवाते हैं तो उक्त लोग विकास कार्य में बाधा डालते हैं, अपने ऊंची पहुंच और धन बल का प्रभाव दिखाते हुए परिणाम भुगतने की धमकी भी देते हैं। ग्राम प्रधान तीरथ का आरोप है कि वह गाँव में खड़ंजे का निर्माण करवा रहे थे, तभी गाँव के कुछ लोग पहुँच कर मारपीट करने लगे। इसी से संबंधित मंगलवार को एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मैं आरसीसी रोड का निर्माण करवा रहा था, तभी वहां कुछ अराजक तत्वों को गांव के बाहर से बुलाकर मारपीट भी करवाई गई और साजिशन मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ग्राम प्रधान ने कहा कि मैंने भी आज अपना प्रार्थना पत्र दिया है और मुझे भरोसा है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वहीं थाना अध्यक्ष अरोला सुनील कुमार दुबे का कहना है कि अगर थाने पर ग्राम प्रधान के द्वारा कोई तहरीर दी गई है तो मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर दूसरे पक्ष के चनौती देवी, संदीप कुमार समेत अन्य ने बुधवार को ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। लोगों के अनुसार उनकी आबादी की जमीन पर जबरन प्रधान तीरथ के द्वारा चक्रोड बनवाया जा रहा था, जिसका जब विरोध किया गया तो प्रधान के उकसाने पर उनके समर्थकों ने किसी काम से अपनी चाची के घर आए संदीप कुमार को बुरी तरह से मारा पीटा। बीच बचाव करने आए संदीप की चाची चनौती देवी और चुनौती की पुत्री रोशनी को भी मारा पीटा। कहीं ना कहीं ये मामला पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि जाँच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। मामला क्या है? क्या मामला? मैं खड़ंजा का काल करवा रहा था, समझ लीजिए वहाँ चार पांच लोग उपस्थित होकर मेरे को मारने पीटने लगे। मैं जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर दिए, उसमें एक शेर सिंह, बृजनाथ सिंह और राज नारायण सिंह समझ लीजिए और एक अर्जुन सिंह और ये सब तीन चार लोग उपस्थित होके हमेशा। कब कब का मामला है? कल का मामला है सर, कल का मामला जी। और उनके एक रविंदर सिंह जो लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके कहते तुम इनको नहीं जानते हो, ये तुमको उड़ा देंगे समझ लीजिए। तुम दुकान पे भी आए थे, ये लोग धमकी दे रहे तो थे। आज तहरीर आपने थाने पे दिया है? जी जी। क्या वहाँ से आश्वासन कुछ मिला है थाने से? जी, जांच करवाएंगे। अच्छा। जी अच्छा, मतलब आप खड़ंजा बनो जब भी काम करवाते हैं तब भी लोग इस तरह से दबंगे करते हैं? हम लोग काम में फैलाता हूँ वहाँ ये लोग अवरोध डालते हैं। अच्छा जी, कल अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपके एक वीडियो वायरल में मारपीट का मामला आरोप लग रहा है जी, उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें एक संदीप नाम का लड़का जो हमेशा दबंगई दिखाता था हमारे यहाँ आके, समझ लीजिए 10-15 दिन पे, कल भी वो आया था। मैं सीसी रोड का 2 तारीख को सीसी रोड का काम करवा रहा था, उसमें आ गया, वो पतही वतही गजवा दिया, वो जो उसकी बच्चिया थी और चनौती से गजवा दिया और फिर उसको उठाने में नहीं। उस वीडियो में आप थे या नहीं थे? वीडियो में थे हम। अच्छा, उस वीडियो में थे हम। हाँ। समझ लीजिए, तो पता ही इधर उधर सब हटाने में मेरा वो कालर पकड़ लिया। अच्छा। 7 दिन का लड़का बाकलपुर का था, संदीप बाकलपुर समझ लीजिए, उसमें एक उसका दामाद भी आया था जो मुखलिसपुर का था, वो भाग निकला। जैसे वीडियो में आरोप है कि आप वहाँ में मारपीट किया, आपके लोगों ने किया है, तो आपके लोग थे उसमें? हाँ थे ना, जब मेरा कालर पकड़ के वो खींच लिया तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाया, ग्राम प्रधान के नाते इधर उधर जाना पड़ता है, तो गांव वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो अपना ढकेल उकेल दिए उसको। मतलब आपके तमाम और समर्थक आ गए? देखिए, कल थाना अरोला पर ग्राम अरुषा के संबंध में एक वीडियो संज्ञान में आया सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें काफ़ी लोग इकट्ठा हैं और आपस में मारपीट जैसी घटना कारित कर रहे हैं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए अरोला थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 134 दर्ज किया जा चुका है, जिसमें विवेचना चल रही है और जो जिसमें मजरूह हैं उनको मेडिकल कराया गया है। मेडिकल के आधार पर जो भी धाराएं बढ़ोतरी होंगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी किसी गिरफ्तारी? अभी वर्तमान में किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मेडिकल के आधार पर धारा बढ़ोतरी करके गिरफ्तारी की जाएगी।
सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।